और ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी कटिंग करने के बाद एक पीस निकालेंगे और आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया हमारी बर्फी बनी है। और इसमें मैंने ना मावा ना खोवा कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया है, ना ही घी। और ये देखिए मैं इसे तोड़ कर दिखा रही हूँ आपको, ये देखिए कितनी सॉफ्ट हमारी मिठाई बनी है, ये देखिए कितनी सॉफ्ट है। फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स आज हम बनाने वाले हैं थोड़ी सी मूंगफली और चीनी की बिल्कुल स्वादिष्ट मिठाई। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए देखिए मैंने यहाँ लिया है बादाम मूंगफली, और इसमें जो खराब दाने हैं इसे आप निकाल लीजिए, नहीं तो बर्फी का सारा टेस्ट खराब हो जाएगा। ये देखिए तो इसे हम निकाल लेंगे और इसे हमें रोस्ट करना है। अब हम चढ़ाएंगे एक पैन, और पैन को हमें गर्म होने देना है और फ्लेम को हमें रखना है पूरा लो। और जो हमने मूंगफली लिया है उसे हम डाल देंगे पैन में। तो यहाँ मैंने 2 कप मूंगफली लिया है। फ्रेंड्स आप कोई भी 1 कप या कटोरी सेट कर लें, उसी से आप सारा मेजरमेंट कर लें। तो यहाँ मैंने 2 कटोरी मूंगफली लिया है और इसे हमें बिल्कुल लो फ्लेम पर इसे रोस्ट करना है। ध्यान रहे कि हमें मूंगफली का ज़्यादा कलर चेंज नहीं करना है, इसे मतलब इस पर ज़्यादा डार्क स्पॉट नहीं आना चाहिए। तो मैं आपको बताऊँगी कि इसे कितना देर तक पकाना है। 5 से 6 मिनट भूनने के बाद हम देखेंगे, बादाम को चेक करेंगे। हम एक बादाम लेंगे और इसे थोड़ा सा हम ठंडा होने देते हैं, और ठंडा होने के बाद आप इसे छुड़ा कर देखेंगे। ये देखिए ये बिल्कुल छूट रही है आसानी से, मतलब कि ये जो हमारा मूंगफली है ये बिल्कुल अच्छे तरीके से भून चुका है। और इस पर देखिए कोई ज़्यादा कलर भी नहीं आया है पकने का, तो बिल्कुल इसी तरह से हमें चाहिए। तो इसे मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पर 5 से 6 मिनट के लिए भूना है। इतने में ही हमारा बादाम तैयार हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को बंद कर देंगे और इसके जो छिलके हैं इसे हमें सारे छिलके को उतार लेना है। बादाम के छिलके निकालने के बाद ये देखिए कितनी सफ़ेद लग रही है, इस पर बिल्कुल भी डार्क कलर नहीं आया है, ब्राउन नहीं हुआ है। तो इससे हमारी मिठाई बिल्कुल ही अच्छी बनेगी और सफ़ेद बनेगी। अगर इस पर थोड़ा सा भी ज़्यादा अगर डार्क कलर आ जाता तो हमारी मिठाई जो है देखने में अच्छी नहीं लगती। तो अब हमें क्या करना है कि इस मूँगफली को हमें पीसना है। तो हमें ग्राइंडिंग जार लेंगे और उसमें हम डाल देंगे मूँगफली को। तो हम थोड़ा थोड़ा करके पीसेंगे मूँगफली को, और इसे हमें 3 से 4 सेकेंड तक चलाना है, यानी कि मिक्सी को हमें 1 से 2 बारी चलाना है, वो भी रुक रुक कर 4 सेकेंड के लिए, नहीं तो मूँगफली जो है तेल छोड़ देगी। 1 से 2 बारी मिक्सी चलाने के बाद हम लेंगे एक आटा चलने वाला छलनी, और इसमें हम डाल देंगे जो हमने पीसा है मूँगफली को, और इसे हमें चाल लेना है ताकि जो हमें इसे बहुत महीन बारीक मिले हमें, जिससे कि हमारी बर्फी बहुत ही अच्छी बनेगी। और इसके जो मोटे दाने होंगे इसे हम फिर से पीस लेंगे। आप ये देखिए बिल्कुल इस तरीके से। तो हम मूंगफली को अच्छे से छान लेते हैं। अब इसे छानने के बाद जो हमारे मोटे मोटे कण बचे हैं इसे भी हमें पीस लेना है दोबारा से, बिल्कुल उसी प्रकार पीसना है। मिक्सी को 1-2 बारी चलाना है 4-5 सेकंड के लिए, और फिर छोड़ देना है, फिर से हम इसे छान लेंगे। ये देखिए बिल्कुल इस तरीके से प्राप्त होगी हमें। अब मिक्सी को 1-2 बारी चलाने के बाद फिर से हम इसे छान लेंगे। और इसे चालने के बाद ये जो फिर से हमारे बच गए हैं इसे हमें फिर से पीसना है, और पीसकर हमें बिल्कुल फाइन पाउडर तैयार कर लेना है। फ्रेंड्स आप इसे बिल्कुल ऐसे बिल्कुल भी तैयार ना करें, इसे छानना बहुत ही ज़रूरी है, जिससे हमारी मिठाई बहुत ही बढ़िया बनेगी। इसी तरह से हम 3 से 4 बार करके इसे छान लेंगे। अब इसे छानने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच मिल्क पाउडर। तो आप यहाँ पर किसी भी ब्रांड का मिल्क पाउडर ले सकती हैं। मिल्क पाउडर डालने के बाद अब इसे बढ़िया तरीके से हमें मिक्स कर लेना है मूंगफली में। मिल्क पाउडर डालने से इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया होता है, आप इसे जरूर डालें। और मिल्क पाउडर ज़्यादा नहीं डालना है, बस 2 चम्मच ही डालना है। अगर आप ज़्यादा मिल्क पाउडर ऐड कर देंगे तो उसका मूँगफली का कम टेस्ट और मिल्क पाउडर का ज़्यादा टेस्ट आएगा, तो आप मिल्क पाउडर इसमें कम ही ऐड करें। अब इसे मिलाने के बाद अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। अब हम इसमें बनाएंगे चाशनी। तो चाशनी बनाने के लिए इसमें डाल दें चीनी। चीनी डालने के बाद अब हम इसमें पानी डाल देंगे। तो फ्रेंड्स हमें इसमें चीनी कितना डालना है, जितना हमने मूंगफली लिया है उसका आधा चीनी और चीनी का आधा पानी डालना है। तो आप कंसिस्टेंसी का ध्यान बिल्कुल रखें कि हमें कितना चाहिए, इससे हमारी जो चाशनी है परफेक्ट बनती है और मीठी भी ठीक बनती है, न ज़्यादा कम मीठा और न ही ज़्यादा मीठा बनता है। और अब हमें चाशनी को मेल्ट होने देना है, चीनी को इसमें।
मेल्ट होने के बाद इसे हम चाशनी को 3 से 4 मिनट तक हम पकने देते हैं। आप यहाँ पर फ्लेवर के लिए चाशनी में इलायची कूटकर भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ कुछ भी नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मुझे इसमें कोई फ्लेवर नहीं चाहिए। आप इसमें अपने पसंद से कोई भी फ्लेवर चाहे इसमें डाल सकते हैं। 3 से 4 मिनट पकने के बाद हम चेक करेंगे चाशनी को। तो चाशनी हमें 1 या 2 तार की बिल्कुल भी नहीं चाहिए, बस हल्की सी चिपचिपी होनी चाहिए। तो ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये किस प्रकार से होना चाहिए। ये देखिए बिल्कुल चिपचिपी होनी चाहिए, हल्का 1 या 2 तार की नहीं हमें बनानी है, तो इस तरह से चाहिए। और अब हम फ्लेम को कर देंगे लो, और जो हमने मिश्रण तैयार किया था मूंगफली को पीस कर उसे हम डालेंगे इसमें थोड़ा थोड़ा करके। तो पहले हम आधा डालते हैं और इसे हम मिक्स कर देते हैं। और अब हम सारे मिश्रण को इसमें हम डाल देते हैं। अब हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है चाशनी में। और ये देखिए चाशनी हमारी बिल्कुल परफेक्ट बनी थी। ये अभी थोड़ा सा गीला लग रहा है, इसे हमें अच्छे से मिलाना है। और अब हम फ्लेम को कर देंगे मीडियम पर, और अब हमें मीडियम फ्लेम पर इसे अच्छे तरीके से पकाना है जब तक कि ये पैन ना छोड़ने लगे। फ्रेंड्स, इस बर्फी को बनाने में ज़्यादा दिक्कत कुछ भी नहीं है, कोई परेशानी नहीं, आप इसे आराम से बना सकते हैं घर पर। और अभी रक्षाबंधन का त्यौहार आने वाला है तो आप इसे त्यौहारों पर जरूर ट्राई करें। बस हमें इसकी कंसिस्टेंसी का ध्यान रखना चाहिए कि हमने जितना मूंगफली लिया है, मूंगफली का आधा हमें चीनी लेना है और चीनी का आधा हमें पानी लेना है। और तो हमारी बर्फी बिल्कुल परफेक्ट बर्फी है। और इसे हमें अभी 3 से 4 मिनट के लिए पकाना है मीडियम फ्लेम पर, जब तक कि ये थोड़ी सी ड्राई ना हो जाए। अभी ये ज्यादा गीली लग रही है। और ये देखिए फ्रेंड्स, 3 से 4 मिनट भूनने के बाद हम देखेंगे कि ये देखिए पैन छोड़ रही है। और इसकी हमें ज़्यादा नहीं भूनना है, इसका हमें कलर चेंज नहीं करना है। तो आप इसे चेक करने के लिए कि हमारा जो मिश्रण है वो तैयार हुआ है कि नहीं, इस मिश्रण को थोड़ा सा चम्मच पर लें और इसे थोड़ा सा ठंडा हो जाने दें। अब ठंडा होने के बाद हम इसके गोली बनाएंगे। और ये देखिए जब इस तरह से बनने लगे तो आप समझिए कि ये जो हमारा मिश्रण है ये बिल्कुल तैयार है। और अब हम फ्लेम को कर देंगे बंद और इसे हम निकाल लेंगे एक अलग प्लेट में, या फिर आप इसी में रहने दें और इसे थोड़ा सा ठंडा हो जाने दें। तो मैं एक प्लेट में निकाल लेती हूँ इसे। अब मिक्सचर को थोड़ा सा ठंडा होने के बाद अब हम इसे अच्छे तरीके से मस लेंगे। तो यहाँ मैंने गिलास ले लिया है और गिलास में तेल से ग्रीस कर लिया है और इसे अच्छे तरीके से हमें मसलना है। आप इस मिश्रण को जितना ज़्यादा मसलेंगे, जितना ज़्यादा ये चिकना होगा उतनी ही अच्छी हमारी मिठाई बनेगी। तो अगर आपके पास पोटैटो मिक्सर हो तो आप उससे भी करें, अगर ना हो तो ये गिलास या फिर कटोरी किसी से भी कर लें। और ध्यान रहे इस मिश्रण को हमें ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, बस 2-3 मिनट के लिए ठंडा करना है और इसे अच्छे तरीके से हमें चिकना करके मसल लेना है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे अच्छे तरीके से मसल कर और एक प्लास्टिक की सीट पर इसे रखा है और प्लास्टिक पर मैंने थोड़ा सा तेल ग्रीस कर लिया है। और अब इसे हम बर्फी का शेप देंगे। तो इसे चौकोर कर लें और एक बेलन की सहायता से इसे अच्छे तरीके से बेल लें। आपको पतला मोटा जिस शेप का भी चाहिए आप इसे बेल लें, जिस पतला मोटा कैसे भी करके। और इसे हम चौकोर कर लेंगे ताकि हमारी जो बर्फी है कट करने पर बेस्ट ना हो बगल से। और ये देखिए फ्रेंड्स, इसे मैंने अच्छे से बेल लिया है और अब हम इसे छोड़ देते हैं सेट होने के लिए। अब इसे सेट होने के बाद अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो इसे सेट होने के लिए 1 घंटा छोड़ दिया था, इसे फ्रिज में रखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, इसे आप बाहर ही रखें। और आप जिस आकार में इसे काटना चाहती हैं उस आकार में काट लें। अगर आप काजू कतले के शेप में काटना चाहें तो आप काजू कतले के शेप में काटें। और ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी कटिंग करने के बाद एक पीस निकालेंगे और आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया हमारी बर्फी बनी है। और इसमें मैंने ना मावा ना खोवा कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया है, ना ही घी। और ये देखिए मैं इसे तोड़ कर दिखा रही हूँ आपको, ये देखिए कितनी सॉफ्ट हमारी मिठाई बनी है, ये देखिए कितनी सॉफ्ट है। तो इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने इसे एक प्लेट में निकाल लिया और आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया हमारी बर्फी बनकर तैयार हुई है। आप ये देखिए ये चारों तरफ से कितनी परफेक्ट कटी है, ये देखिए, और कितनी चिकनी स्मूथ और मुलायम है। तो आप इसे बनाकर जरूर ट्राई करिएगा और ये त्योहारों में बनाइएगा और बहुत ही अच्छी लगेगी। इसे आप
मिठाई के डिब्बे में पैक करके आप इसे फ्रिज में रख दीजिएगा। इसे कोई भी पहचान नहीं पाएगा कि आप इसे घर में बनाए हैं। तो आप भी बनाइए और इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक भी करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।